हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की उस नया इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया, अपडेट आ गया। और ये जो अपडेट हुआ CGL 2021 एग्जामिनेशन का है, जिसमें से एडमिट कार्ड जारी हो चुका है एक्सटेंशन कोलकाता से। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि इसका फॉर्म भरे हुए थे CGL 2021 एग्जामिनेशन का, वो अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए जो है पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि किसका कहाँ पर एग्जाम है और कितने डेट को है वो बता दिया गया था। तो अभी उसका जो है एडमिट कार्ड का जो है लिंक दे दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं टायर वन के लिए, उनका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, लिंक भी आपका अवेलेबल हो गया। तो इसको देखते हैं किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको देखते हैं किस प्रकार से डाउनलोड हम लोग करते हैं। सबसे पहले गूगल के सर्च बॉक्स में जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्च बॉक्स में मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करते हैं SSC को, तो आपके पास में इस प्रकार का जो पेज खुल जाएगा, यहाँ पे सर्च दिया रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मिस्टर सेशन कमीशन एडमिट कार्ड मार्क स्टेटस है इस प्रकार का। तो यहाँ पर आप लोगों को जो सबसे पहले ये है यहीं पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप लोग इसे क्लिक कर लेंगे तो आपको इस प्रकार का एक नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ रहेगा। तो यहीं पर आप लोगों को जाना है, एडमिट कार्ड सेक्शन यहाँ पर है ऊपर में, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप लोगों का एडमिट कार्ड सेक्शन खुल जाएगा और यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे रीजनल जो वेबसाइट है वो सब सारी चीज़ें खुल जाएंगी। तो मेरे को सबसे पहले जाना है यहाँ पर ईस्टर्न रीजन पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार का एक और नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को इतना सारी चीज़ें देखने मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हैं डाउनलोड ई एडमिट कार्ड फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 टायर 1। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार का आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है नो स्टेटस एंड डाउनलोड ई एडमिट कार्ड, यहाँ पे सारी चीज़ें। यहाँ पर रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ भी आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट्स नेम और डेट ऑफ बर्थ से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है उसको यहाँ पे फिल करके दिखाता हूँ। तो ये मैं यहाँ पे रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन ID जगह से ही भरता हूँ। ये मैंने फिल कर दिया। इसके बाद में है यहाँ पर जो है फिल करना है, तो इसको भी फिल कर देता हूँ। इसको मैंने फिल किया जैसे ही सम ऑफ 3 + 4 = 7, ये मैं इसको कर दिया। तो आपके पास इस प्रकार का एक नया और पेज खुल जाएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ ओके जो बटन है वहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके बटन क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है उसके सारे चीज़ दिया, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन ID, एप्लीकेंट नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रिपोर्टिंग टाइम और एग्जाम सिटी दिया। तो जो कैंडिडेट है उसका एग्जाम सेंटर रांची में दिया हुआ है। डेट जो दिया हुआ है 19 अप्रैल को 11 बजे बुलाया गया है। और यहाँ पर जो रोल नंबर है वो देख सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स का अगर एडमिट कार्ड जारी हो गया है तो उसका जो रोल नंबर है यहाँ पे एक रेड कलर का लाइन आएगा। तो आप लोगों को सिंपली रोल नंबर के ऊपर में आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप एडमिट कार्ड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो कैंडिडेट्स है उसका यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ, इसी कारण से यहाँ पर रेड लाइन नहीं है। तो इसका एग्जाम अभी 19 तारीख को होना है, तो अभी इसका एग्जाम के लिए बाद में एडमिट कार्ड जारी होगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना इस प्रकार के स्टेटस को चेक कर लें और जिसका एडमिट कार्ड जारी हो गया वो अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें।